एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो गाइज, ये कल शाम का ब्लॉग है, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी पम्पकिन की सब्ज़ी, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लंबा ब्लॉग आज का नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो गाइज, मेरे कल के वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं अपने उन सब्सक्राइबर, अपने उन व्यूवर्स का और अपने उन दोस्तों और साथियों का कि जिन्होंने मेरे वीडियो को वॉच किया और इतने अच्छे कमेंट्स करके मुझे, मतलब मेरे हिम्मत को बढ़ाया और मुझे बहुत खुशी हुई इस प्यार और इस अपनेपन के लिए। दिल से शुक्रिया गाइस आप सभी का। तो ये पम्पकिन की सब्जी मैं सिंपल प्रोसेस से ही बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही सिंपल था। ये मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये है आलू, हरा मटर और कच्चा कद्दू है। कद्दू कद्दू मैंने कच्चा वाला, वाइट वाला ही लिया है, जो पीला हो जाता है वो हमने नहीं लिया यहाँ पे, तो इसे मैंने धुल के अच्छे से साफ कर लिया। तो बस हम अपनी सब्जियाँ बनाते हैं। तो गाइस, मैंने अचानक से न्यूज़ पे ही सुना था कि जो लॉकडाउन की वजह से जानवरों को भी, मतलब भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अब चूंकि भगवान ने हम लोगों को इतनी समझ और उस लायक बनाया है कि हम लोग कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बट जानवर ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग हम पर ही डिपेंडेड है। तो बस मैंने ऐसा ही इसी सोच के साथ मैंने वो किया। तो मैंने वो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों तक डाल दिया था, भेजा था, तो आप लोगों ने उसे पसंद किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस की, और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो ये मैंने लिया नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। मैं इन्हें ऐसे ही सूखा ऐड कर दूंगी, ग्रेवी मुझे नहीं लगानी है यहाँ पे। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी नेकी हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वापस मिलती ही है, वो कहीं जाती नहीं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि जैसे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे पशु भी हम पे ही डिपेंडेंट हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। गाइस, तो मेरे यहाँ सब्जी हो गई है लगभग, तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और इस तरह की रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही यमी है, अगर इस स्टाइल से बनाया जाए तो ये मतलब पम्पकिन की सब्जी को भी सभी पसंद करेंगे। तो गाइस, आप टेक केयर और लॉकडाउन का भी मतलब पूरा ध्यान रखिए और पशुओं को भी सहयोग कीजिए। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।